हाँ, अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देता हूँ। लगता है कि थोड़ा और नमक चाहिए होगा। पर नहीं नहीं, ज्यादा देने की कोई जरूरत नहीं है। आज थोड़ा कम नमक वाली खिचड़ी ही खाने दो सबको। मानता हूँ कि इस आयोजन वालों लोगों ने बड़ी कंजूसी की। तेल, नमक, मसाले सब कुछ पर्याप्त मात्रा में दिए हैं खाना पकाने को, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सबके खाने में ही डाल दूं। अरे अगर मैं इस खिचड़ी में मिला दूंगा तो फिर मेरी जेब में क्या जाएगा? तो काम में देर किए बिना जल्दी से सारे मसाले अपनी पोटली में रख लेते हैं मदन। चल चल जल्दी कर। क्यों भाई मदन, खिचड़ी बनने में और कितनी देर है? खिचड़ी लगभग बन चुकी है, आप लोग बस बैठना शुरू कर दीजिए। बन गई है, पर तुम्हारी खिचड़ी से तो वो जयंत की खिचड़ी की जैसी खुशबू नहीं आ रही है। अब आप जयंत के बात मत करिए, उसकी खिचड़ी की गंध से सड़ी हुई मछली की दुर्गंध भी अच्छी होती है। एक बार मेरी खिचड़ी खा कर देखिए, चाटते चाटते उंगली ना खा गए तो मेरा नाम भी मदन नहीं, बदल दीजिएगा। जाइए जाइए, जाकर लोगों को बैठाइए, जाइए। बेटा बेटा, थोड़ी खिचड़ी दोगे? बेटा कल से पेट में एक दाना भी नहीं गया है, बहुत भूख लगी है। बेटा बहुत भूख लगी है। ए ए बढ़िया, कौन है तुम? हाँ, और यहाँ घुसी कैसे? तुम्हें पता नहीं यहाँ भोज चल रहा है? मौका मिला कि बस अंदर घुस गई, कोई खाना वाना नहीं मिलेगा। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। कहाँ कहाँ से चले आते। ये जरूर रसोईया जयंत खिचड़ी बना रहा है। हाँ हाँ, अब गंध से ही पेट भरता जा रहा है मेरा। वाह, जयंत के हाथों की खिचड़ी का तो कोई जवाब ही नहीं है। खिचड़ी की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। स्वर्ग जाने से पहले अगर एक बार ये खिचड़ी खाने को मिल जाती, देखती हूँ शायद मुझे मिल जाए। हाँ जाकर देखती हूँ। अरे आए, 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 अंदर कहाँ जा रही हो? देखता नहीं है समारोह चल रहा है, तुम्हें न्योता मिला है क्या? अरे बेटा जरा एक चम्मच खिचड़ी तो दे दो ना बेटा, कल से पेट में कुछ भी नहीं गया है। बिल्कुल भी नहीं, बिना निमंत्रण के अंदर नहीं जा सकते तुम। अरे अरे, ये इतना शोर शराबा किस बात का है? हा? क्या बात है? अब पूछो मत जैन भाई, बेकार का दिमाग खराब कर दिया, इसको खिचड़ी खानी है बोलती है। तुम ही वो रसोइये हो क्या? वो खुशबू, इसका मतलब वो तुम्हारे हाथों का जादू है। दरअसल बेटा कल से मैंने कुछ नहीं खाया है, अगर तुम्हारी वो खुशबूदार खिचड़ी थोड़ी सी मिल जाती तो मजा आ जाता बेटा। अच्छा ठीक है माँ जी, ठीक है। आप आइए आइए, मेरे साथ आइए, मैं अब आपको पेट भर के खिचड़ी खिलाऊंगा। ऐसे समारोह में तो दो चार लोगों का खाना ज्यादा ही बनता है। और नहीं तो मेरे हिस्से का ही आप खा लेना। ए, ए, आने दो आने दो आने दो। अरे सुनो, इन्हें आने दो। तुम्हारा भला हो बेटा। नहीं नहीं नहीं, अब मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। मंत्री, तुम लोग ही अब कुछ तय करो,
अगौन महीने के 15 तारीख को मेरी पुत्री का अन्नप्राशन है। इसमें अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, पर लोग खाएंगे क्या? सच में महाराज, अन्नप्राशन का शुभ दिन तय करने में इतना वक्त नहीं लगा जितना वक्त उस दिन के खाने की सूची को बनाने में लग रहा है। महाराज, मैं कह रहा था कि प्लेन चावल और नरम मटन की तरी बनवा दी जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा है, पर वो अच्छा राजा जी, मुगलाई खाना बनवाया जाए तो कैसा रहेगा? बिरयानी, कबाब, तंदूरी। हाँ बढ़िया बढ़िया, पर कुछ खास नहीं है इसमें। तो फिर महाराज, फुली फुली पूरियां और आलू दम। नहीं, महाराज, अगर हम अपने गांव के प्रसिद्ध रसोईया जयंत के हाथों की खिचड़ी सभी को खिलाएं तो कैसा रहेगा? वाह मंत्री वाह, ये तो तुमने बहुत ही सही समाधान दिया, बहुत ही बढ़िया। अन्नप्राशन के दिन जयंत के हाथों की खिचड़ी ही बनेगी, क्या कहते हैं? सही है महाराज, सही है, बिल्कुल सही है। तो फिर बिना वक्त बर्बाद किए जयंत को राज्यसभा में बुला लाओ, बात तय कर ली जाएगी। अभी जैन भाई, आपको महाराज ने बुलाया है। राजकुमारी के अन्नप्राशन का बड़ा आयोजन होने वाला है ना, आपको खाना बनाना है भाई। हाँ अच्छा, ऐसी बात है, ठीक, चलो फिर चलते हैं। अच्छा, राजकुमारी का अन्नप्राशन, इसका मतलब तो बहुत ज्यादा खाना बनेगा है, बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोग आएंगे, इसका मतलब यहाँ एक बड़ा दाव मारने का मौका है। जयंत को रास्ते से हटा कर ये खाना पकाने का काम मुझे ही करना होगा। हाँ महाराज प्रणाम। जयंत तुम आ गए। सुनो जयंत, आने वाले अगहन महीने की 15 तारीख को मेरी पुत्री का अन्नप्राशन है। बहुत सोच विचार कर देखा, तुम्हारे हाथों की खिचड़ी से बढ़िया खाना दूसरा नहीं हो सकता, इसलिए उस दिन के खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। जय आज्ञा महाराज। महाराज क्षमा करिएगा महाराज, ये सही नहीं होगा अगर मैं कहूँ तो। क्यों, क्या हुआ? जी महाराज, मैंने सुना कि आप राजकुमारी के अन्नप्राशन के खाने की सारी जिम्मेदारी अकेले जयंत को दे रहे हैं। हाँ पर मैं भी तो इसी राज्य का रसोईया हूँ, है ना, मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए ना, मैं भी तो कर देता हूँ ना महाराज, मुझे मौका दीजिए। हाँ ये सही है, पर तुम कहना क्या चाहते हो वो तो कहो ना। मैं ये कह रहा था कि हमसे एक खिचड़ी बनाने की प्रतियोगिता हो जाए और जो अच्छा खाना बनाएगा उसे ही इस समारोह का भार दिया जाए महाराज। ठीक है, बुरा नहीं है, तुम में से जो बढ़िया खिचड़ी पका कर खिलाएगा उसे ही राजकुमारी के अन्नप्राशन में खाना पकाने का दायित्व दिया जाएगा। सिपाही जाओ, इन दोनों को राजमहल की पाकशाला दिखा दो। अब दिमाग लगा कर जयंत की जगह मुझे हत्यानी पड़ेगी। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरी खिचड़ी तो पक गई है। अब जरा ऊपर से थोड़ा घी डाल देता हूँ, बस तभी जाकर 16 कला पूर्ण होगी। नहीं जयंत बेटा, अभी तक नहीं हुई, अब होगी, 16 कला पूर्ण। अब देखना मेरा खेल। कितना स्वादिष्ट है, बढ़िया बढ़िया खाना बना है मदन। अब जयंत की खिचड़ी खाकर देखी जाए। धुर,
ये तुमने क्या पकाया जयंत? ये खिचड़ी है या नमक का गोला? ऐसे भी मैं नमक ज्यादा नहीं खाता हूँ। वैद्य, वैद्य, मुझे दवाई दो, दवाई। मुझे ऊपर पहुंचाना चाहते हो क्या तुम? मैं तुम्हारा इतना नाम ले रहा था और तुमने मुझे ये इनाम दिया। नहीं महाराज, मैंने तो हिसाब से ही नमक डाला था। झूठ मत बोलो जैन, झूठ बोलना सही नहीं है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था जैन, इतना नमक मत डाल इतना नमक, पर तूने तो प्रतियोगिता जीतने के लालच में ये गड़बड़ी कर दी। अब देखना इसका मजा। नहीं नहीं नहीं, अब एक पल भी मेरी नजरों के सामने नहीं रह सकते। निकल जाओ, इस राज को छोड़कर निकल जाओ। काम के लालच में तुम इंसानों को मारने की साजिश कर रहे, दूर हो जाओ लालची। लेकिन महाराज। अरे तू जाएगा या सिपाहियों को बुलवा कर दो डंडे लगवावा? काम खत्म। मदन, राजकुमारी के अन्नप्राशन में खाना तुम ही बनाओगे। जो आ गया महाराज, जो आ गया। जय हो महाराज की, जय हो। क्यों रे जयंत? ए जयंत, सुना खिचड़ी के नाम पर तूने महाराज को नमक का शरबत पिला दिया? वो जयंत की खिचड़ी नहीं है, नमक की खिचड़ी है वो। सर पर कलंक लिए जयंत ने गांव छोड़ दिया था। क्या वो सबके सामने सच को लाकर अपना खोया हुआ सम्मान वापस ला पाएगा? देखते हैं आगे भविष्य में उसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। इसका अंत कहानी के अगले भाग में देखिए।